अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो साथियों कैसे आप सब लोग। जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो एसएससी जीडी के लिए एमसीक्यू की सीरीज चल रही है एज पर ओल्ड पेपर्स, आज उसी का हमारा डे टू रहने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर 2021 को, जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं डे वन की, जिसमें हमने एसएससी जीडी का जो पेपर डिस्कस किया था, यानी कि जो 15 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में, वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड टू एंड जरूर देखना। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि अपना स्कोर जो है नोट करते जाना, वीडियो के एंड में कॉमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर मैंशन करना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया इन। आपको बताना है जो प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड है इससे इंडिया में कब लॉन्च किया गया, 2017, 2012, 2009 या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं सी पार्ट की बात करूं, दैट इज 2009 हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है जो प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड है इससे इंडिया में कब लॉन्च किया गया, 2009 में। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट क्वेश्चन नंबर टू। तो यहां पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मनी इंडियन बीच वायर अवॉर्डेड द प्रीस्टिजियस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बाय एन इंटरनेशनल ज्यूरी इन अक्टूबर 2020। आपको बताना है कि इंडिया के ऐसे कितने बीचेस हैं जिसे एक प्रीस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया, दैट इज ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से नवाजा गया। और ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अवार्ड दिया गया इंटरनेशनल ज्यूरी की तरफ से दिया गया, कब, अक्टूबर 2020 में। तो कितने बीच को यह मिला, 6, 5, 8 या नन ऑफ दीज। तो आपको याद रख लेना है सी पार्ट, दैट इज 8 हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया था, ऑन 1 दिसंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लॉन्च्ड द स्कीम अरुण, यहां पे क्या है, अरुणोदी, ठीक है ना, अरुणोदी। ये जो स्कीम है आपको बताना है ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई है। देखिए यहां पर कुछ ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल या नन ऑफ दीज। तो आपको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले अगर मैं अरुणोदी सिक्किम की बात करूं तो गूगल पे सर्च कर लेना, इसके रिगार्डिंग जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रख लेना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो ये जो अरुणोदी सिक्किम है इसे कब लॉन्च किया गया, 2020 में इसे लॉन्च किया गया, ये आपको याद रख लेना है। किसके द्वारा, किस स्टेट के द्वारा, आसाम स्टेट के द्वारा, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रख लेने थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे, द हजार द्वारी, ठीक है ना, द हजार द्वारी प्लेस इज लोकेटेड इन। तो एक प्लेस है हजार द्वारी, आपको बताना है कि इसकी लोकेशन कहां पे है, मैसूर, जोधपुर, मुर्शिदाबाद या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं इस प्लेस की बात करूं, मुर्शिदाबाद में देखने को मिलती है, दैट मीन सी पार्ट मुर्शिदाबाद हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज पेपर वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो यहां पर अगर मैं राजा राम मोहन रॉय की बात करूं, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा न्यूज पेपर है जो कि इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो यहां पर अगर मैं न्यूज पेपर की बात करूं, दैट इज संबंध कौमुदी, ठीक है ना, संबंध कौमुदी जो न्यूज पेपर है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टार्ट किया गया था। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो यहां पर एसएससी जीडी में जो जीके की लेवल रहती है अच्छी खासी लेवल रहती है, जो सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं उन्हें इस अंदाज में जो है डिफाइन किया हुआ होता है, इस लैंग्वेज में जो है प्रिंट किया हुआ होता है, वहां पे इस ऐसी लैंग्वेज यूज की गई होती है जो बेसिक सा क्वेश्चन भी है ना वो टफ दिखाई देता है। तो इसलिए जो है इसके लिए अच्छी तरह से जो है डीपली टॉपिक्स को पढ़ना, थ्योरिटिकल टॉपिक्स को पढ़ना आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये जो सभी के सभी क्वेश्चंस हम करेंगे आगे जाके भी, और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं या क्वेश्चन जो हमने किए, ये सभी के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन से पूछे गए क्वेश्चन है। और मैं साथ साथ बता रहा हूं कि किस शिफ्ट में पूछे हैं और कब के एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्ले अभिजना शकुंतलम बाय कालिदास इज अ लव स्टोरी बिटवीन शकुंतला एंड किंग। देखिए सबसे पहले आपको ये नोट डाउन कर लेना है, ये जो अभिजना शकुंतलम है ये क्या, एक प्ले है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो स्टोरी देखने को मिलती है, दरअसल इसमें एक लव स्टोरी आपको देखने को मिलेगी, वो जो है एक तो शकुंतला की है और आपको बताना है किस किंग के बीच की ये लव स्टोरी है। शकुंतला का नाम दिया गया है और किस किंग की लव स्टोरी है, एक तो शकुंतला और कौन सा है, अशोका,
धनपत, दश्यंता या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दश्यंता की तो सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, जो अभिजनम शकुंतला है ये जो है एक प्ले है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। इसमें जो है ये एक लव स्टोरी है, ठीक है ना, एक स्टोरी बुक है। तो इसमें जो है शकुंतला एंड किंग दुशाता की जो है लव स्टोरी देखने को मिलती है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 7। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, इसका संबंध किसके साथ है? आर्टिकल 368 का आपको बताना है संबंध किसके साथ है। एग्रीकल्चर प्रोसीजर, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं आर्टिकल 368 की बात करूं तो इसका संबंध जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ है। दैट मीन्स सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल। तो यहां पे ये क्वेश्चन जो है 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इस जो एशिया कप, वुमेन्स एशिया कप 2000 सॉरी वुमेन्स एशिया कप जो है फुटबॉल का, इसे कब होस्ट किया जाना था, तो 2021 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है। तो उस समय मतलब ये आइडिया नहीं था, तो उस समय का इस तरह से पूछा जा सकता था। लेकिन इस बार जो है अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो 2024 का पूछा जा सकता है, 2023 का पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो उस समय इसका जो एज पर ऑप्शन राइट आंसर था, यानी कि इस फुटबॉल, ये जो वुमेन्स एशिया कप फुटबॉल का है तो इसे कब खेला जाना था, 2022 में। दैट मीन डी पार्ट इसका राइट आंसर था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। द सेंटर ऑफ द व्हाइट पोर्शन ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज एडोर्नड बाय ए नेवी ब्लू अशोक चक्र ए व्हील विथ डैश स्पोक्स। देखिए सिंपली यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली क्वेश्चन क्या है, लेकिन कितना टफ बना दिया गया है। सिंपली आपको बताना है जो इंडिया का फ्लैग होता है इस तरह से, ठीक है ना, इसमें जो ये जो अशोक चक्र होता है इसमें जो स्पोक्स होती है इस तरह से, है ना, आपको बतानी है ये कितनी है। बस सिंपली आपको ये बताना है कि इसमें कितनी स्पोक्स देखने को मिलती है, जो कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन कर लेना है। इसमें 24 स्पोक्स देखने को मिलती है, लेकिन यहां पे देखिए कितना टफ क्वेश्चन बनाया गया है। लेकिन अगर सिंपल कोडिंग में इसे इनको बताना था तो सिंपली इनको इस तरह से कहना था, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन अशोक चक्र, इस तरह से ही कह सकते थे। लेकिन देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दिया गया है, ताकि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो टफ बन सके। तो सिंपली इसमें कितने स्पोक्स देखने को मिलते हैं, 24 स्पोक्स देखने को मिलते हैं। दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग यूनियन बजट 2020 टू 2021 फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहां पे आपको बताना है कि इन ये जो एक प्रोग्राम है इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, किस बजट के मुताबिक। यहां पे आप देख सकते हो यूनियन बजट 2020 एंड 2021 के मुताबिक इनमें से वो कौन सा प्रोग्राम है जो कि चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए लॉन्च किया गया है। पोषण ज्ञान, पोषण अभियान, पोषण अधिकार या नन ऑफ दीज। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, पोषण अभियान। दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दैट क्वेश्चन नंबर 11। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। आपको बताना है जो बुक है द थर्ड पिलर हाउ मार्केट एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, इसके ऑथर का आपको नाम बताना है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं रघुराम राजन, एम के गांधी, एस के रॉय या नन ऑफ दीज। तो ए पार्ट दैट इज रघुराम राजन हमारा राइट आंसर होगा, इसके जो ऑथर है रघुराम राजन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या पूछा गया था, द खिलजी एंड द तगलुक रूलर्स हैड अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी दीज लैंड्स वर कॉल्ड। देखिए यहां पे आपको ये बताना है जो खिलजी एंड तगलुक डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो क्या करते थे, वो जो है मिलिट्री कमांडर्स को अपॉइंट करते थे एज अ गवर्नर ऑफ टेरिटरी, किसी भी टेरिटरी का उसे किसी भी जो जो तगलुक और खिलजी डायनेस्टी के रूलर्स थे वो किसी भी मिलिट्री कमांडर को गवर्नर अपॉइंट करते थे किसी भी टेरिटरी का,
जो उनको बेहतर लगता था। जिस सपोज मान लीजिए उनने किसी टेरिटरी पे जो है अपना कब्जा जमा दिया, तो अगर उनको लगा कि हम इस पर अच्छी तरह से रूल नहीं कर पाते थे, तो वो किसको अपॉइंट करते थे गवर्नर? अपने किसी मिलिट्री कमांडर को जो उनका अच्छा खासा था, बिल्कुल करीबी था, या उनको लगता था कि ये अच्छा खासा पावर में है, ये अच्छा खासा समझदार रूलर है, इस तरह से वो है, तो वो उनको क्या करते थे, अपॉइंट करते थे एज अ कमांडर ऑफ सॉरी एज अ गवर्नर ऑफ एनी टेरिटरी। तो आपको बताना है जो लैंड्स जो थी, वो जो टेरिटरीज उनके कब्जे में आ जाती थी, उन्हें किस नाम से जाना जाता था? मुफ्ती, इकतादार, इकता या नन ऑफ दीज? तो उन्हें जो है इकता के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो टर्म यूज की जाती थी, दैट्स इकता। सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन नवंबर 2020? तो चलिए बताइए किसे अपॉइंट किया गया। तो यहां पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं, दैट इज ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ज्ञानेंद्रो, ठीक है ना, ज्ञानेंद्रो हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। यहां पे देखिए टी एंड कॉफी आर ग्रोन इन डैश सॉइल, चलिए बताइए, आपको सिंपली बताना है जो टी एंड कॉफी के कल्टीवेशन के लिए किस सॉइल, कौन सी सॉइल सूटेबल है, यानी कि टीज एंड कॉफी जो है किस सॉइल में उगाई जाती है? लिटरेट सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल या नन ऑफ दीज? तो आपको अच्छी तरह से याद रख लेना, जो लिटरेट सॉइल है टी और कॉफी की कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है, यानी कि यूज की जाती है, इसी में जो है टी एंड कॉफी की कल्टीवेशन की जाती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है यहां पे, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2020, यहां पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 2020 टू 2021, विच स्टेट इज नॉट शोइंग गेन इन इट्स फॉरेस्ट कोर? आपको बताना है जो इकोनॉमिक सर्वे हुई 2020 टू 2021, ये जो इकोनॉमिक सर्वे हुई, इनमें से वो कौन सी स्टेट है जिसके फॉरेस्ट कोर में गेन नहीं हुआ है? केरला, आसाम, बिहार या अरुणाचल प्रदेश? तो डी पार्ट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर होगा। और 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, साथ ही साथ जो बेल का ऑप्शन आपको नजर आएगा उस पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप जो है मेरा एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, वहां पे आपको क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जीके प्रैक्टिस सेट्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, अग्निवीर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो टाइम टेबल बना लेना, उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना, थ्योरेटिकल भी पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जहां से आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन जेकेपी स्मार्ट की चैनल से अगर आप फ्री में बेनिफिट उठाना चाहते हो तो क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहां पे मैंने थ्योरी टाइप पढ़ा के रखा है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जितने भी जीके प्रैक्टिस सेट्स मैंने करवा के रखे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो अग्निवीर के क्लास चल रहे हैं वो भी देख लिया करें, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये जो हमारी सीरीज चल रही है ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। तो साथ ही साथ ये भी बताते चलो कि जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूले, जेकेपी स्मार्ट के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे लास्ट में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट उनसे बेनिफिट उठा सकोगे। तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना ना भूले। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया प्रोवाइड्स फंडामेंटल ड्यूटीज? तो आपको बताना है कि किस आर्टिकल के मुताबिक फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की जाती है। तो यह हमने कल भी पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स कितने और फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कितने फंडामेंटल राइट्स है और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस वक्त आपको बताना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड की जाती है, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की जाती है, तो किस आर्टिकल के तहत ये प्रोवाइड की जाती है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 81, आर्टिकल 51 या नन ऑफ दीज? तो यहां पे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 51 ए की, दैट इज सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं हमारे आखिरी नंबर क्वेश्चन पे, दैट इज विच विटामिन इज आल्सो कॉल्ड सनशाइन विटामिन? तो ये आपको मुझे बताना है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर करोगे। तो
उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हां, आपको बताता चलूं कि एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, इंपॉर्टेंट वीडियो रह सकते हैं। इससे पहले हमने जो पहले शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इसे देखना ना भूले। एक बार जरूर देख लेना, एग्जाम से पहले पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो जाइए जल्दी से आपके स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रहा है इस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।